आप सभी को पता है कि बनारस को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। तो अगर बनारस की गलियों में या फिर बीच सड़क में आप 100-200 मीटर दूरी की यात्रा करेंगे, आपको एक छोटा सा मंदिर दिख जाएगा। जैसे देखिए, मैं अगर 100 मीटर की भी यात्रा करता हूँ तो एक मंदिर अभी आ जाएगा। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, आप भी देख लीजिए। ये रहा एक प्रसिद्ध मंदिर, काफ़ी अच्छा खासा मंदिर, आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं, जो BHU से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी है, आधा किलोमीटर की दूरी पर है। यह त्रिदेव मंदिर है। और देखिए, मैं थोड़ी सी आगे और बढ़ता हूँ तो और भी कुछ मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर, लेकिन आपको मंदिर दिख जाएगा। तो मैं इधर आगे बढ़ता हूँ तो इधर देखिए, साइड में भी एक मंदिर है। यहाँ पर देखिए, मन कामेश्वर शनिदेव मंदिर है, शनिदेव का मंदिर यहाँ पर है। बगल में हनुमान जी का भी मंदिर है और एक मंदिर आप इधर भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे भी लोग पूजा पाठ करते हैं क्योंकि लोगों की आस्थाएं रहती हैं। तो जैसे जैसे आप कुछ दूरी पर बढ़ते रहेंगे, आपको मंदिर मंदिर दिखाई देते रहेंगे। इसीलिए बनारस को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। एक ऊंचाई पर आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर भी एक मंदिर है। अब उसके बाद देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो अभी हम लोग आ गए हैं दुर्गा कुंड। दुर्गा माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बनारस में, दुर्गा कुंड आ गए हैं। इसको दुर्गा कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कुंड है, इसलिए इसको दुर्गा कुंड कहा जाता है। तो अच्छा खासा दर्शक यहाँ पर भी आते हैं, विदेशों से भी दर्शक आते हैं। अभी आपको शायद थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो, लेकिन मंदिर काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुंड है। तो दुर्गा माता का देखिए, दुर्गा माता मंदिर प्रवेश मुख्य द्वार, इसका मुख्य द्वार है। और इधर आपको शायद साफ ना दिखाई दे रहा हो, इधर एक बहुत बड़ा कुंड है, इसमें मछलियाँ भी हैं। और देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है सड़क के बीच में। और इधर कुछ छोटे छोटे जो सामग्री होते हैं पूजा पाठ के, वे लोग लगा कर बेचते रहते हैं अपना। ये देखिए, पूरा कुंड है जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा कुंड है। इसीलिए इसको दुर्गा कुंड, दुर्गा माता के मंदिर के बगल में ही कुंड है, इसलिए दुर्गा कुंड इसको बोला जाता है। तो आइए अपनी यात्रा को हम लोग जारी रखते हैं। तो जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनकी जन्मभूमि देखिए बनारस में ही है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो यहाँ पर उनकी जन्मभूमि है। तो जैन धर्म के दो तीर्थंकरों का जन्म देखिए बनारस में ही हुआ है, एक तो पार्श्वनाथ थे और एक स्वपार्श्वनाथ। सामने ग्रीन सिग्नल हो चुका है, तो ग्रीन सिग्नल को क्रॉस करते हुए हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। देखिए, इधर सिग्नल ग्रीन है तो हम लोग आगे की तरफ निकलते हैं। आगे एक छोटी मंडी है, सब्जी मंडी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बनारस की जो सब्जी मंडियाँ होती हैं कैसी होती हैं। तो यहाँ से मंडी की शुरुआत होती है, देख लीजिए। ये तो बाहर का दृश्य है, अभी अंदर मंडी काफ़ी बड़ी है।
आज देख पा रहा है कि मेरे पीछे ट्रैफिक लग गया है, काफ़ी धूप है फिर भी ट्रैफिक लग चुका है, ट्रैफिक सब खड़े हैं। मैं भी गमछा बांधा हूँ क्योंकि धूप तो काफ़ी है, यहाँ पर ट्रैफिक लग गया अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रैफिक अभी खुला तो सब निकल रहे हैं। चलिए हम भी निकलते हैं। देखिए इसके हम लोग फ्लाई ओवर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जो है रेलवे लाइन बिछाई गई है, ऊपर से ट्रेन जो है जाती है और नीचे देखिए फ्लाई ओवर टाइप है। तो आइए अब हम लोग को थोड़ा सा ऊंचाई पर चढ़ना है, इसके बाद वरुड़ा नदी आएगी तो हम लोग थोड़ा तेज़ी से बढ़ाते हैं। इधर देखिए वरुड़ा नदी है, अभी हम लोग एक जगह पर रुके हुए हैं, थोड़ा सा गन्ना का रस पी लेते हैं। सारनाथ से काफी नजदीक पहुंच चुके हैं और साइकिल चलाते चलाते थोड़ी सी थकान भी हो गई है, लेकिन यहाँ पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। सम्राट अशोक के द्वारा देखिए जो चौखंडी स्तूप बनवाया गया था उधर है सामने, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए पूरा ईंटों से बनाया गया है और यह 3 मंजिला है और जो उस पर एक इमारत बनाई गई है वह अष्टभुज आकार का है, उसमें 8 भुजाएं हैं। मैं देखता हूँ कि अगर आगे से बढ़िया से रिकॉर्डिंग हो पाता तो मैं दिखाता हूँ इसको। देखिए लिखा है चौखंडी स्तूप, भारत सरकार का संरक्षित स्मारक, यहाँ शायद टिकट लेकर फिर अंदर जाना पड़ेगा। चला जाए क्या अंदर? हम लोग सारनाथ पहुंच चुके हैं और एक एक जगह मैं शुरुआत करता हूं, तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं बुद्ध मंदिर में।